हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गुप्ता और आज आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। यह है सीएजी सर्वे रिपोर्ट ऑन स्कूल टॉयलेट्स। देखिए हुआ क्या है, हमारे देश के जो सीएजी हैं उन्होंने टॉयलेट्स का दोस्तों फिजिकल सर्वे किया है। आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूलों में स्वच्छ भारत तहत प्रमोट करने के लिए टॉयलेट्स बनाए गए और यहाँ पर ये कोशिश की गई कि फीमेल को हम अलग और मेल को अलग टॉयलेट मुहैया कराया जाए। इन टॉयलेट्स में रनिंग वाटर की व्यवस्था की गई और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा फंड एलोकेट किया। अब फंड का सही से यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको आपको पता है कौन चेक कर सकता है? सीएजी, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसने फंड का कितना सही यूटिलाइजेशन किया है इसको चेक करने का अधिकार होता है सीएजी को, यानी इसको ऑडिट करने का अधिकार दिया गया है संविधान में सीएजी को। तो यहाँ पे सीएजी ने क्या किया है दोस्तों, गवर्नमेंट का जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि था टॉयलेट्स को लेके, जिसमें गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स बनवाई स्कूलों में, ठीक है, और ये ऐसी थी जो कि दोस्तों काफ़ी फैसिलिटी वाली थी, जिनमें रनिंग वाटर की व्यवस्था थी, यानी कि आप हाथ से पानी भर के लेके जाओ तो रनिंग वाटर की व्यवस्था थी। और टॉयलेट्स के अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मेल्स के लिए अलग थी, फीमेल्स के लिए अलग थी। आज तक हमने क्या देखा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में आपने भी देखा होगा कि मेल के लिए और फीमेल के लिए सेम ही टॉयलेट यूज़ करने को दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर जो बच्चियाँ होती हैं वो 8th-9th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, और पढ़ाई छोड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न ये भी होता है कि उनके लिए अच्छी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो पाती, ठीक है। तो चलो इस पूरी रिपोर्ट के तह में चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी रिपोर्ट क्या है। देखिए हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं कैग, हैज़ फ्लैश इरेगुलरिटीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन स्कूल बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन एन ऑडिट रिपोर्ट टेबल फॉर पार्लियामेंट। देखिए कैग ने किया क्या है, एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की है, इसमें इन्होंने कुछ खामियां बताई हैं जो कि हुई हैं टॉयलेट बनाते हुए। इन टॉयलेट को दोस्तों किसने बनाया है, हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, क्योंकि टॉयलेट दोस्तों लाखों की संख्या बने हैं और प्राइवेट कंपनी दोस्तों बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हेफ्टी हो सकता था, बहुत ज़्यादा हो सकता था, इसलिए सरकारी जितने PSUs हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से हेल्प की है इनको बनाने में। ओके चलो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो रिपोर्ट टेबल की गई है सीएजी के द्वारा बिफोर पार्लियामेंट, इसमें देखिए कौन कौन से मुख्य बिंदु कहे गए हैं। देर आर 10.8 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री, लगभग दोस्तों 11 लाख स्कूल हैं हमारे पूरे भारत में, ठीक है। ओवरऑल मोर देन 1.4 लाख टॉयलेट हैव बीन बिल्ट बाय 53 CPSC। तो यहाँ पर सरकारी कंपनियों के द्वारा लगभग 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। बिग सिग्निफिकेंट सपोर्ट कमिंग फ्रॉम पावर कोल एंड ऑयल कंपनी, यहाँ पे दोस्तों जो बनाने में सहायता की वो पावर कंपनी ने करी, पावर कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसने की, कोल कंपनी जो भारत की है उसने की, ऑयल कंपनी ने किया, ऐसा पार्ट ऑफ स्वच्छ विद्यालय अभियान, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव चलाया गया स्वच्छ विद्यालय अभियान, जिसने प्रमोट किया दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यह था कि हमारे लिए प्रत्येक स्कूल में एक अच्छी टॉयलेट की व्यवस्था करनी है। द सीएजी ऑडिट कंडक्टेड अ फिजिकल सर्वे, यहाँ पे दोस्तों फिजिकल सर्वे किया गया 15 स्टेट में दोस्तों लगभग 2700 टॉयलेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्वे होता है जो कि 2700 टॉयलेट्स का होता है इन 15 स्टेट। यहाँ दोस्तों पाया गया कि यहाँ दोस्तों पाया गया आउट ऑफ द 1967 को एजुकेशनल स्कूल सर्वे 99 स्कूल हैव नो फंक्शनल टॉयलेट्स। दोस्तों यहाँ पर 1967 दोस्तों छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं वहाँ पर ऐसा मिला कि 99 स्कूल तो ऐसे थे दोस्तों जहाँ की टॉयलेट शुरू ही नहीं थी, मतलब फंक्शनल ही नहीं थी, स्टार्ट ही नहीं थी, ठीक है। 400 जैसी थी दोस्तों जहाँ पे एक ही टॉयलेट फंक्शनल थी, यानी कि वहाँ पर मेल और फीमेल के लिए एक ही थी, ठीक है। यानी कि जो हमने देखा था सपना कि हम सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड कराएंगे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, वो दोस्तों रखा रह गया, ठीक है ना। कितने परसेंट स्कूलों में दोस्तों, 27% स्कूलों के अंदर, यानी कि 27% स्कूलों में आज भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ दोस्तों जो कोएजुकेशनल स्कूल में सर्वे किया गया इसमें ये पाया गया 75% टॉयलेट डिड नॉट फॉलो द नॉर्म्स फॉर डेली क्लीनिंग। यहाँ पे 75% दोस्तों ऐसे टॉयलेट हैं जहाँ पर रोज़ साफ सफाई नहीं होती। 72% ऑफ कंस्ट्रक्ट टॉयलेट हैड नो रनिंग वाटर। 72% ऐसे टॉयलेट हैं जहाँ आज भी दोस्तों टंकियों से पानी नहीं आता है, बाल्टी में पानी भर के लेके जाना पड़ता है। 55% हैड नो हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ एट ऑल। 55% ऐसी थी दोस्तों जहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था नहीं थी,
एट इवन ग्रेटर नेशन कोविड-19 इन्फेक्टेड टाइम, ठीक है। और ये सब कसम दोस्तों आज के समय यानी कि वो समय जिसमें कोविड-19 से लोग बहुत अफेक्टेड हैं, और ऐसे समय में सैनिटेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों। इस समय दोस्तों अगर हम लोग सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो मतलब फिर यार कभी रखेंगे। आपको सोचो कोविड-19 में सैनिटेशन का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, और हम लोग इस समय भी लापरवाही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 40% टॉयलेट वर नॉन एग्जिस्टेंट पार्शियली कम्प्लीट अनयूज। दोस्तों 40% ऐसी थी टॉयलेट जो कि दोस्तों सिर्फ कागज़ पर बनाई गई, रियल में दोस्तों आज से वो टॉयलेट बनी ही नहीं, और रियल में बनी दोस्तों तो आधी बनी है। जैसे कि टॉयलेट की दीवार बनी है तो शीट नहीं है, शीट है दोस्तों तो हाथ धोने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बनाई गई। और दोस्तों कुछ इसमें ऐसी जो अनयूज है जहाँ पे दोस्तों बनाई तो टॉयलेट के पर्पज़ से गई थी लेकिन पता नहीं उसको किसके पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब स्वच्छ विद्यालय अभियान क्या है, इसका नाम आया तो आप इसको समझ लीजिए दोस्तों। लॉन्च किया गया था दोस्तों बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसे आज हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कब किया गया दोस्तों, ये किया गया 2014 के अंदर। इसका एम था दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत दोस्तों सेपरेट टॉयलेट देना गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।